संत कबीर नगर और सजनवा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दो अंतर जनपदीय पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त पुलिस ने तोला राम वर्मा के दाहिने हाथ से एक तमंचा, 315 बोर, एक मिस व एक अदद जिंदा कारतूस, 15,000 रुपया नगद तथा दूसरे अभियुक्त मोहम्मद फहीम अंसारी उर्फ हसन के कब्जे से एक रिवाल्वर, 32 बोर, एक खोखा कारतूस व 5 जिंदा कारतूस, 32 बोर तथा 11,500 रुपये नगद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त संत कबीर नगर जनपद में 10,000 के इनामी हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ ने बताया, घटना खुली है इसमें संत कबीर नगर की 3 घटनाएं, एक बस्ती की 4, एक सजनवा की 5, तो उस क्षेत्र में टोटल रहते हैं और बाइक मिली है, इससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इसने पहचान कर ली उनके साथ घटना, 15,000 रुपये छीन लिए थे उनसे। थाना माहौली जो संत कबीर नगर में पड़ता है, दोनों पुलिस थाना अध्यक्षों के द्वारा इसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था और साथ ही साथ पूर्व में इन्होंने संत कबीर नगर में 3 लूट की घटनाएं की थी, एक घटना थाना बस्ती की, सॉरी जनपद बस्ती की, और एक घटना जो है वो गोरखपुर की थाना सजनवा की, इसमें खुली है। कुल मिलाकर 5 लूट की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था और इनके पास से 2 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं और साथ ही साथ लूट की घटनाओं में प्रयुक्त बाइक भी इसमें बरामद हुई है। और इसमें 2 लूट की घटनाओं के बाद CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था जिसमें ये दोनों उसमें घटना के बाद भागते हुए और घटना कारित करने के बाद अपने को बचाते हुए इसमें दिख रहे हैं और इस तरह से इसमें 2 थाना के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लूट की घटना 392 IPC में लिखी गई है, वो इनके द्वारा कारित की गई थी।